नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ प्रेरणा। प्रेगनेंसी के पहले होने वाली माँ को सेहत और खान पान को लेकर कई सारी सलाह दी जाती है, ऐसा करो वैसा करो जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन ये सारी जिम्मेदारियाँ बच्चे के जन्म के बाद खत्म नहीं हो जाती बल्कि और बढ़ जाती है। स्तनपान कराने वाली माओं के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बेहद जरूरी है। इससे उनकी खुद की तो हेल्थ अच्छी रहती ही है, साथ ही बच्चे की भी। तो प्रेगनेंसी के बाद किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले है हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी। दोस्तों, बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए। पानी के अलावा आप फलों का जूस, नारियल पानी भी पी सकती हैं। हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना बेहद जरूरी है। हेल्दी खान पान जितना प्रेगनेंसी से पहले जरूरी है उतना ही प्रेगनेंसी के बाद भी। लेकिन आपका फोकस सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि बैलेंस्ड डाइट पर भी होना चाहिए। इसके लिए खान पान में फलों, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं। कैलोरी की मात्रा को बढ़ाएं। दोस्तों, स्तनपान कराने वाली माओ को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे में अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखने और बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध बने इसके लिए कैलोरी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। फैटी एसिड रिच फूड्स लें। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजों को भी डाइट में शामिल करें। अलसी के बीज और अखरोट में इनकी अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। माँ के साथ ही ये बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए भी जरूरी है। आपको प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स की मात्रा शामिल कीजिए जिसके लिए राजमा, मसूर की दाल, डेयरी उत्पाद और तोफू हैं बेस्ट ऑप्शंस, जो बॉडी में एनर्जी को बनाए रखने के साथ ही टिश्यू की मरम्मत और विकास में योगदान करते हैं जिसकी इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेना है। दोस्तों, प्लांट बेस्ड मिल्क, डेयरी उत्पाद, केला और पालक जैसी चीजों में अच्छी मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है जो हड्डियों को हेल्दी और मजबूत रखने का काम करता है। आयरन भी है जरूरी। लीन मीट, चिकन, फिश, दालों को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट है। इससे अनीमिया की प्रॉब्लम्स नहीं होती। फोलेट का सेवन करें। दोस्तों, हरे पत्तीदार सब्जियां, सीताफल, दाल और दूसरे फोलेट के स्रोत भी स्तनपान के दौरान करना जरूरी है जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ना करें। सबसे पहला है कैफीन की मात्रा को कम कीजिए। बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो स्तनपान के दौरान इसकी मात्रा का खास तौर से ध्यान रखें। शराब से बना लें दूरी। स्तनपान के दौरान शराब का सेवन करना मना है। प्रोसेस्ड और जंक फूड करें अवॉइड। दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर से भरपूर स्नैक्स और जंक फूड जितना हो सके कम खाएं, जो कोलेस्ट्रॉल और वजन बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही और रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।